नमस्कार। ईवीएम पर पाबंदी करे चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़ी याचिका पर लोकसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। यह याचिका एक जर्नलिस्ट की ओर से दायर की गई है। याचिका में चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल करने से पहले इसकी टेस्टिंग में प्राइवेट कंपनियों को शामिल होने की चुनौती दी गई है। सुनवाई के लिए 6 हफ्तों के बाद की तारीख तय की गई है। देश में कई पार्टियों ने एक बार फिर चुनाव ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया है। यह मुद्दा बहुत खास है क्योंकि इस जनभावना में लोकतांत्रिक अधिकार जुड़े हुए हैं। ऐसे में ईवीएम के विरोध में उठती आवाजों ने आम लोगों के अंदर भी यह डर बना दिया है कि ईवीएम से छेड़खानी हो सकती है। इससे अमेरिका के एक स्वयंभूर साइबर ने ईवीएम को लेकर एक दावा किया था कि उसका दावा था कि भारत 2014 के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली हुई थी। दुनिया के कई देशों ने भी ईवीएम पर बैन लगा रखा है। तो हमारी ऐसी ही जबरदस्त वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आप हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो देख पाएं और उससे पहले।